जरा तुम हैरान रह जाओगे, बागे पुराने दर्शन सिंह जरा कांग्रेस का एम एल ए जिथे रैली सी गेट से प्रोटेस्ट चलिया सी वो आप भी सी। मैं समझ नहीं आती सुखबीर सिंह बादल की। पहली गल तो वो गलों को सीरियस नहीं लेंदा क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं उस स्टेज पर बोलना की आ। तुसीं सारी वीडियो देख लो, मैनू एक सोई का बंदे की शकल दिखा दियो या ना दे दियो, मैं उन्होंने पार्टी चो कढ़ दूंगा। इस तरह मेरे को कुछ तस्वीर है, मैं तुम्हें दसदा। आ देखो आ हल्का बाघा पुराणा का अकाली दल का जिन्होंने टिकट मिली आते पिछे आ सर्कल के बंदा है जगतार सिंह तारीए का नाँ है। आ पत्थर चला रहा रोड़े मार रहा किसानों से। जग सिंह देख रहे सारे दोस्तों मित्रों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों पिछले दिनों तो मोगा जिला बड़ा मशहूर होया वा। मशहूर होने का कारण है भी श्रोमणी अकाली दल वालों मोगे जिले दो रैलियां की गई सी। उन्हां दो रैलियां दे विच किसानां वालों लगातार जबरदस्त विरोध किया गया सी। खास करके मैं बागे प्रण की गल करूँगा। बागे प्रण दे विच भी जो श्रोमणी अकाली दल ने रैली की तो उस टाइम किसान यूनियन बहुत ज़्यादा जबरदस्त विरोध किया, बड़ा इकट्ठ किया उन्होंने भी, तो उस दे विच काफ़ी कुछ भी देखने को मिलिया। तो जो श्रोमणी अकाली दल वालों पिछले दिन मोगा च रैली की उत्थे भी जबरदस्त विरोध होया, तो उत्थे रोड़े चले लाठीचार्ज होया। उस तो बाद सियासत गरमाई हुई है पिछले दिनों तो लैके सरदार सुखबीर सिंह बादल कुछ लोगों की लिस्ट जारी कर रहे हैं जिदे विच वो कह रहे हैं भी फलाना बंदा आम आदमी पार्टी का, फलाना बंदा कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने सीधे सीधे रूप बागे पुराने वाली रैली के विरोध कराने लैके हलका विधायक सरदार दर्शन सिंह बराड़ से सीधे रूप लाए। उन्होंने कहा भी वह अगवाई कर रहे थे, उस भीड़ की अगवाई कर रहे थे जिहड़ी भीड़ विरोध करती सी। अज साडे नाल सरदार कमलजीत सिंह बराड़ जिहड़े कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन भी है, इन्हां तो जवाब लवेंगे उन्होंने लाए हुए रूपों का। बराड़ साहब सीधे रूप तुहाडे ते विरोध कराने दे की कहोगे? मैं समझ नहीं आती सुखबीर सिंह बादल की। पहली गल तो वो गलों को सीरियस नहीं लेंदा क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं उस स्टेज पर बोलना की आ। हुण थोड़े दिनों की एक मैं वीडियो देखी जाने कई दिनों की चली जाती है मोगे रैली की, जहेदार साहब न उन्होंने बेटे पता नहीं की बोली जाता स्टेज तो, उस तो पहला उस स्टेज तो बोलता कि मेरे पिता समान बादल साहब न कही जाता, वो प्यो ही पिता समान कही जाता। उन्होंने पता नहीं लगता कि पता नहीं कोई नशा करता है जो बुखलाया होया है। हुण रूप ला रहा कि दर्शन सिंह बराड़ लोगों के बीच खड़ा सी, उन्होंने पछाण जिहड़े उन्होंने पछाण जिहड़े तेरा विरोध कर रहे, उन्होंने पछाण तेरा विरोध करने वाले वो लोग आ जिन्हां दी मौत दे वारंट ते तुसीं साइन कीते आ, सहमति दित्ती आ, जिन्हां दी मौत दे वारंटां नूं तुसीं सारा टब्बर सही दसदे सी वो लोग तेरा विरोध कर रहे आ। कोई कांग्रेसी जां कोई आम आदमी पार्टी वाला तेरा विरोध नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी दे वर्कर जां कांग्रेस दे वर्कर भी किसान आ, वो भी किसानां दे विच हो सकदे आ, किसानी संघर्ष के नाल जुड़ सकते हैं क्योंकि किसानों के पुत उन्होंने भी पता कि साड़ियाँ जमीन खुस रही, साड़ी मौत के वारंटा के उत्ते भाजपा ने तो लेंदे रेंदे वारंट तो इन्होंने नाल सहमति दी और सारा टब्बर बादलों का सारा टब्बर गुण गा रहा है जिस वेले बिल उन्होंने लागू किए। तो उस तो बाद जदों किसान जथेबंदियां किसान उन्होंने बार च बैठ के जाके एक तो गोडा धरिया फिर अस्तीफा दिता ड्रामा किया। इसलिए सुखबीर बादल की मैनू नहीं लगता किसी गल नूं सीरियस लेना चाहिए। इस तरह मेरे को कुछ तस्वीर है, मैं तुहानूं दसदा। आ देखो आ हल्का बाघा पुराणा का अकाली दल का जिन्हों टिकट मिली आते पिछे आ सर्कल के बंदा है जगतार सिंह तारीए का नाँ है। आ पत्थर चला रहा रोड़े मार रहा किसानों पर, आह बंदे की न्यूज़ आ अतीर सिंह माले दे नाल खड़ा हो उत्ते खबर की हैडिंग आ कि अकाली दल के वर्कर परचियां तो नहीं डरते। परचे इन्हां ते होना चाहिए आ जिन्होंने पत्थर मारे किसानों पर, किसान किरती किरत करने वाला दसा नौह की मेहनत करने वाला कमाई करने वाला वो रोड़े मारूगा यार। वो तो नौ महीनों तो आपदे 500-600 साथी गवा के भी उत्थे शांतमई बैठे आ, उत्थे बैठे भी हथ बन्नी जांदे आ कि साडे बिल वापस ले लो, वो रोड़े मारनगे। गुरु नानक के उपदेश से पहरा देण वाला किसान आ, किरती आ, मजदूर आ, वो रोड़े मारूगा यार। रोड़े मारे आ इन्होंने एक टीम बनाई सी 300-400 मुंडे की, आ जिहड़ा मैं दिखा रहा ना रोड़े मारदा तारी इहदा पिंड माला है, इहदी जांच कराओ, इहदा जवाब मंगो तो माले तो कि आ तारी कौन आ, क्यों रोड़े मार रहा। इहदी वीडियो भी आ जे कहोगे वीडियो थोड़ा भेज दिना, चला भी दियो वीडियो देख भी लियो
तुसीं देखी होनी है, वैसे तुहानूं पता थोड़ा रोज़ का काम है, इन्हां दे जवाब देने। जे सुखबीर सिंह बादल नूं रोड़े चलाउण वालां दा पता लग गया जिहड़े उहने देखे भी नहीं, तो उहनूं बहबल कलां च गोली चलाउण वाली अणपछाती पुलिस दा नहीं पता लग्या कि पुलिस कौन सी, हो किहड़े बंदे सी, हो किहड़े अफसर सी, किहने आर्डर दित्ते सी, किहने कोटकपुरे चौक विच शांतमई जाप करदी संगतां ते गंदे पाणी दीआं वाछड़ां कीतीआं। इह तां कांग्रेस दी सरकार सी पंजाब च, कांग्रेस सरकार आ इस टाइम जदों अंदोलन चल रिहा सी पंजाब च, ते किसी किसान नूं, किसी किसान आगू नूं, किसी धरनाकारी नूं, अंदोलनकारी नूं किसी नूं ओए भी नहीं किया किसी ने। तो जे इन्हां दी सरकार हुंदी जिवें बहबल कलां च लंगर छकदियां संगतां ते गोलियां चलाईयां सी, इन्हां ने आए किसानां ते गोलियां चलाउणी सी, आह करतूत इन्हां दी हुण सामने आ गईआं कि किवें इह किसानां ते पहलां पत्थर मारदे आ, फिर इह पुलिस दे रोड़े मारदे आ, फिर पुलिस नूं भड़काउंदे आ, पुलिस भड़कदी आ, फिर किसानां नूं कुटदी आ। ते निंदणयोग वरतारा पुलिस दा वी आ कि जिहड़ा बंदा आपदी शांतमई तरीके नाल गल करना है। जे सुखबीर बादल कोल जे किसी गल दा जवाब है नहीं, उह घरे बहि जाए, वो आपदे अहुदे नाल न्याय नहीं कर पा रहा, किड्डा उहदा रुतबा उच्चा है, उस कुरबानी वाली जमात का वह प्रधान है, तो उन्होंने किसानों की गल सुननी चाहिए। किसान आउंदे उहदे नाल गल करन, किसान लड़न थोड़ी ना आउंदे आ। पर मैं एक गल क्लीयर कर दिया थोड़े राही कि सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल दियां पाईयां होईयां पैड़ां ते चल रहा। प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा पंजाब दे भाईचारे नूं लांबू लाउण दी कोशिश की आ, भाईचारक सांझ नूं तोड़न की कोशिश की आ, एजेंसियां दे मगर लग के उही वरतारा सुखबीर सिंह बादल दोहरा रहा है। इहनूं चाहीदा नहीं सीगा, जिहड़े उहनूं पता कि किसानां दा रोह आ, ते इहनूं आराम नाल बैठ जाणा चाहीदा सी, किसानां नाल बैठ जाए, आपदे बंदे लै के बह जाए उत्थे, इहदे कोल केडर हैगा, अलग जाके बार्डर ते बैठ जाए उत्थे, जे इहनूं किसानां नाल हमदर्दी आ, किसान इहदी असलीयत तों जाणूगा। किसानां ने ही इहदा विरोध कीता थां थां ते, इलजाम ला के इह बरी नहीं हो सकदा, क्योंकि इल्जाम लाउंदा है भी कांग्रेसियां ने, आम आदमी पार्टी वाले ने, वो तां लाउंदा है कि लोगों तो बच जावां, लोगों के विरोध तो बच जावां, कि किसान मेरे खिलाफ नहीं। बराड़ साहब चलो वो तो लगातार कह रहे हैं भी कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के लोग जो विरोध कर रहे उन्होंने रैलियां का, पर जो बराड़ साहब से सीधा आरोप उन्होंने लाया भी सरदार दर्शन सिंह बराड़ उस भीड़ के देखे गए है, वो कितने देखे उन्होंने, वो किस कि कह रहे हैं, मैं वो पूछना चाहता तुहाडे कोल। दर्शन सिंह बराड़ उन्होंने सुपने अज दीदा होना, उन्हें पता है कि दर्शन सिंह बराड़ की रीस सुखबीर सिंह बादल कई जन्म लैके भी नहीं कर सकता। सरदार दर्शन सिंह बराड़ लोग घोलों चो निकले हुआ आगू आ, सुखबीर बादल वांगू मूँह के चांदी का चमचा ला लैके नहीं पैदा होया, इसलिए आरोप ला देने। जे उन्हें देखिया है कितने तो देखिया होना ना, और मैं ये भी दस दया जिस दिन वाघे अपने रैली सी कांग्र अकाली दल की, उस दिन सरदार दर्शन सिंह बराड़ चंडीगढ़ से, इस गल के असी सबूत दे सकते हैं कि साढ़े को फोटो उस दिन दी, साड़ी लोकेशन चेक कर लो। कोई भी बंदा जे विरोध करूँ, फर्ज कर लो असी विरोध करना हूँ, असी विच खड़ के करावे विरोध, ये पता ही नहीं दी मानसिकता नूं की हो चुकिया। और सानू तां आपां तां बई जी इस गल का भी दुख हो रहा भी लोग कहणगे भी पंजाब दे उत्ते आह बंदे 10 साल राज कर गए, यार 5 वारी थोड़े बाप नूं मुख्यमंत्री बनाता पंजाब दे किसानां ने, किसानां दीआं वोटां लै लिया तुसीं मुख्यमंत्री बने हो, ते जदों किसानां नूं 2 वोटां दी लोड़ पई सी उदों तुसीं पार्लीमेंट चों बाहर सी, उस तो बाद हुण तुसीं उन्हां किसानां नूं कुट्टी जांदे हो, उन्हां किसानां दे सिर 'च ही रोड़े मारी जांदे हो, उन्हां किसानां नूं पुलिस तों कुटवाई जांदे हो। पहली गल तां मैं सरकार नूं वी आना है, सरकार दा वी निंदणयोग वरतारा है, परचे होए आ, परचे होने चाहिए अकाली दल दे गुंडियां ते, जिन्हां दी गुंडा प्रवृत्ति है, जिन्हां ने पत्थर मारे आ शरिया, वीडियो ते फोटो तुहाडे सामने फुटेज आई हुई आ, परचे उन्हां ते होने चाहिए, परचे किरतियां किसानां ते बाबे नानक दे उपदेश ते पहरा देण वाले ते परचे नहीं होने चाहिए। बराड़ साहब जिवें तुसीं गल कीती है मोगे दी, आपां लाठीचार्ज होया, परचे कर दिते गए, ते तुसीं दूसरे पासे कह रहे हो भी उन्हां दे बंदे विच देखे गए, ठीक है जी, पर पुलिस ने किहड़ी इहो जी इनवैसटीगेशन कीती जिथों जाके उन्होंने खास करके किसानां दे उपर ही परचे कीते? तां इनवैसटीगेशन नहीं, एक इन्हां ने स्कीम बनाई सी विंडसर पैलेस आ दुन्ने के पिंड कोल मोगे दे बार बार, उत्थे इन्हां ने 300-400 मुंडा इकट्ठा किया अकाली दल ने, और वह मुंडिया स्पैशल तौर पर, यह रिपोर्ट मेरी नहीं, मैनू इस महकमे के रिपोर्ट मिली है, क्योंकि महकमे के भी बहुत चंगे गुरसिख ते गुरु नूं प्यार करन वाले लोग हैगे ने, जिहड़े दसदे सी कि साडे सामने सारा कुछ होया सी, उहनां कोले ना कोई झंडा सी, ना उहनां कोले कोई होर सिंबल सी कि असीं रैली च शामिल हो रहे हां। नशा करवा के इन्हां ने पहलां पुलिस दे रोड़े मरवाए, पुलिस दा तां देखो जदों पुलिस दे सट्टां वज्जियां, पुलिस दे इट्टां रोड़े वज्जे आ, क्यों मारे उन्होंने अकाली दल के वर्करा ने, फिर उन्होंने किसानों के इट्टा रोड़े मारे आ, जो पुलिस फिर भड़क गई, जो पुलिस मुलाजमान पर हमला होया तो पुलिस में यह हो गया कि यह विरोध कर नहीं आए, ये तो हमला कर आए आ, पर हमला करने वाले अकाली दल के वर्कर से तैयार किया हुआ दस्ता से, इन्हों का
अकाली दल का, जिन्होंने ये हरियावल दस्ता दसते हैं यूथ अकाली दल वाले SOI वाले, उन्हों का काम ही इसे उन्होंने यह कहा गया कि क्योंकि फिर अगे जाके ये विरोध बंद हो जू, फिर पुलिस किसानों कुटन लग जू, किसान विरोध नहीं करनगे, इन्हों की यह मंशा सी। पर इन्हों यह नहीं पता भी इस उस धरती दे जाए आ जिहड़ी सुक्की धरती दे विच जिहड़े दाने उगा सकते आ वह विरोध करन तो डर जाणगे। ये कुरबानियां करन वाली कौम आ, यह विरोध करन तो नहीं डरदी, कड़ा के लड़न वाले लोग ने। मोगा पुलिस ने तो परचे किसानों के करते ना 17 बंदे बेनियम करते, तो मैं कहा भी ये बहुत निंदनयोग वर्तारा है। किसान जथेबंदियां ने हुण संघर्ष किया, थोड़े दिन पहला अल्टीमेटम भी दिता जे ना परचे दर्ज रद्द किए, क्योंकि पुलिस के बयान से दर्ज होए आ, पुलिस के जे सट लगी आ तां परचा होया, सट लाई कि ने, सट मारी कि ने पुलिस के अकाली दल के वर्कर ने। मैं उही तां कहिंदा परचे उन्हां ते दर्ज होने चाहिए जिन्होंने सट मारी, जिन्होंने इहनूं इस शांतमई विरोध नूं जिन्होंने हिंसक रूप दिता अकाली दल के वर्कर, उन्होंने परचे दर्ज होने चाहिए आ। सुखबीर बादल वो क्यों नहीं नज़र आते, क्योंकि इन्होंने तैयार की गुंडा ब्रिगेड आपकी, वो तो गुंडागर्दी करवा के कही जाता कि फलानी पार्टी का, फलानी पार्टी का, गुंडागर्दी आपकी ब्रिगेड तो करा के झूठे परचे किसानों से दर्ज किए। राठ साहब, सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के रोह तो बाद कुछ दिन आदि जी रैलियां मुलतवी कर दी, पर दूसरे पास जिहड़े किसान संयुक्त किसान मोर्चे वाले हैगे आ उन्होंने सख्त शब्दों के इन्हों कहा हैगा भी जिवें इन्होंने स्टेजा पर बोलिया भी असी थोड़े मिनटों के यही सारा कुछ सैट कर सकते हैं, उस तो बाद उन्होंने यह भी कहा हैगा भी असी थोनू खड़न नहीं देवे जी इस तरह दल्ला बात करें, किवें लेने सारा कुछ। मैं ही थोड़ा पहला भी गल की, बड़ा मूर्ख भरया वर्तारा, बड़ी मूर्खता भरया वर्तारा है, स्टेज तो बोली जाता किसानों, तैनू यही गल पता भी तेरे बाप नू पांच बार मुख्यमंत्री इन्हें किसानों ने बनाया, तू उन्होंने बोली जाना भी असं एक इशारा करता तो ऐ हो जू हो जू, इशारा तो वह भी कही जाते मूहरों जे असी करता, ये भाईचारक सांझ तोड़न वाली गल है, क्योंकि मैं पहले दस्या भी आपके बाप के नक्शे कदमों पर चल रहा, उन्होंने गुड़ती ची मिले होया सारा कुछ। प्रकाश सिंह बादल ने हुण तक पंजाब का सब तो वध नुकसान जे कीता तां प्रकाश सिंह बादल ने कीता, चाहे तुसीं सिक्खी की गल कर लो, धर्म की गल कर लो, सब तो वध नुकसान प्रकाश सिंह बादल ने कीता, तो उसे ही नक्शे कदमों पर सुखबीर सिंह बादल चल रहा है, भाईचारक सांझ तोड़ रहा है, पंजाब का नुकसान कर रहा है। जे ये झगड़ा होगा, रौला पेगा तो आपसी भरा मारू जाएगा, जे चलो मान लो अकाली दल की गल ही कर लगे, जेडे अकाली दल की रैली बैठे आ वह भी तो साढ़े भरा ही है ना, जेडे रैली गए आ वह भी तो साढ़े पंजाब के वासी आ, साढ़े भैन भाई आ, जे वह तो किसानों का टकराव हों तो नुकसान कि पंजाब का, साढ़े भाईचारे का, साढ़े पिंड भाईचारक सांझ टुटती आ, असं यही कहें कि वो साढ़े दुश्मन जोड़े रैली गए आ, ये ठीक है कि लोग उन्होंने जरूर किसान आगू किसानों के वर्कर किसानों के साथी लाहत पाते हैं कि तुम मरिया जमीर वाले हो जो अकालिया की रैली जाने, पर फिर भी मैं वो तो उत्ते उठ के गल करदा कि वह भी साढ़े भरा ने, कोई नहीं जे वरगला के कोई गलती नाल उन्हां दी रैली चला गया किसी लोभ लालच वास्ते तो फिर तुसीं उन्हां नाल लड़ना नहीं, जे लड़दे हाँ तो इहदा जिम्मेवार सुखबीर बादल आ, जे टकराव हुंदा नुकसान हुंदा इहदा जिम्मेवार सुखबीर बादल आ, वह साला है बिक्रम मजीठी आ, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग आ, इन्हां नूं इह आ कि रौला पै जाए, राष्ट्रपति राज लागू हो जाए तो जिहड़े बिल आ वह किसानां दे उत्ते थोपे जाण। प्रकाश सिंह बादल का जिक्र किया, प्रकाश सिंह बादल हजे घर बैठे आ, घर बैठने के बावजूद भी वो कहते तो मुताब कह सकते हैं, या होर भी पिछले दिन गुरमुख सिंह बराड़ जिहड़ा साबका जथेदार जसवीर सिंह रोडे उन्हां दा बेटा सीगा उन्हूं NIA ने गिरफ़्तार किया, उस तो बाद दे विच एक इकट्ठ हुंदा जलंधर दे विच, काफ़ी संत महापुरश उत्थे पहुँचदे आ, उत्थे सीधा सीधा आरोप जिहड़ा सिंह साहब भाई जसवीर सिंह रोडे उन्होंने चलो सरकार नूं नाल लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रकाश सिंह बादल ते दोष लाए, सीधे सीधे आरोप जिहड़े उन्हें सरदार प्रकाश सिंह बादल ते लाए, उन्होंने इत्थे तक कहता भी प्रकाश सिंह बादल अग नाल खेडो, ये अग जिहड़ी है झुग्गियां नूं भी दे नाल नाल महिला नूं भी साड़ दिंदी है, उन्हां दा सीधा इशारा उन्हां सीगा, तुहाडा की कहना है भी उन्होंने उन्हां दा कहना तां इही सी भी प्रकाश सिंह बादल करके साडा जिहड़ा मुंडा फसिया, की कहोगे तुसीं? मैं अगे भी जिक्र किया शायद तुहाडे चैनल पर किया कि प्रकाश सिंह बादल आ जिहड़ा एजेंसियां दा बंदा है, एजेंसियां दे राहीं कि एजेंसियां उहनूं वरतदियां उह एजेंसियां नूं वरतदा है। देखो जिहड़ा ये परिवार आ संत जरनैल सिंह भिंडरांवालां दा परिवार आ, संतां दा बहुत सत्कार अपने मनां दे विच, मेरे की अपने पंजाब दी जिहड़ा भी सच्चा सिख आ उहदे मन दे विच संतां प्रति सत्कार आ, ते संतां दा सरूप उहनां दे मनां 'च ही वसदा है। ये उस तो बाद संतां दे शरीरक तौर पर चले जाने बाद उन्हां दा परिवार आ जिहड़ा राजनीतिक तौर पर विचर रहा सी। मैं हमेशा रोडे पिंड जाके भी कहना हुंदा
स्पीकर च भी यह गल बोलता हूँ, अनाउंसमेंट करता हूँ कि संतां दे परिवार नूं सियासत करन दी लोड़ नहीं। जे उन्होंने सियासत करनी है तो धर्म की सियासत कर सकते, श्रोमणी कमेटी च हिस्सा ले सकते हैं, सिक्खी सरूप वाले पासे नूं नौजवानों लिया के तैयार कर सकते, क्योंकि संतां दी शख्सियत का बहुत वड्डा प्रभाव आ। पर इन्हां दी बहुत वड्डी गलती सी कि यह परिवार संतां दे चले जाण तों बाद, शरीरक तौर पर चले जाण तों बाद, परिवार प्रकाश सिंह बादल दे पैर च पैर धरदा रहा, अकाली दल की मदद करता रहा, तो पर पल्ले की पिया, अकाली दल का एक भी बंदा थले तो लैके उपर तक एक भी लीडर अज उस रोडे परिवार के नाल नहीं खड़ा। खड़ना तो दूर की गल आ, उस वर्तारे एन आई ए दे उस वर्तारे निंदिया भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए या चेक करना चाहिए कि गुरमुख सिंह बराड़ दोषी है कि नहीं है। तो मैं हुण उत्थे फिर कहना कि यह प्रकाश सिंह बादल एजेंसियां का बंदा, तो जे जसवीर सिंह रोडे ने जे सिंह साहब ने यह गल कही है ना कि कुलियां ते महिला नूं अग दोनों नूं पै जांदी हुंदी आ, तां इहदे पिछे कोई कारण आ कि उह जसवीर सिंह रोडे ने कोई एवें नहीं गल बना के कहती, कोई रीजन है इहदे पिछे, कोई वड्डा कारण आ। उहनूं पता है कि ये सारे वर्तारे पिछे, सानूं फसाउण पिछे, झूठी साजिश पिछे प्रकाश सिंह बादल का हत्थ आ, क्योंकि उहनां नूं भी पता है ये एजेंसियां का बंदा है। हुण तक एजेंसियां दे राहीं प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब की सिक्खी का, पंजाब की जवानी का, चाहे वह 1984 वाला वर्तारा होवे ते चाहे अज चिट्टे दा वर्तारा होवे, जे 2007 तो जिहड़ा चिट्टा शब्द पंजाब च आया, एजेंसियां दे राहीं पंजाब दी जवानी दा घाण प्रकाश सिंह बादल ने ते उहदे टब्बर ने कीता है। ते जे जसवीर सिंह रोडे ने गल कही है तां मैं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हाँ। इस गल दे पिछे, उहनां दे परिवार दे नुकसान दे पिछे प्रकाश सिंह बादल का हाथ ही होगा। पर मैं फिर भी उन्होंने बेनती करना कि सियासत करनी है तो आपके दम पर करो। संतों का बहुत उच्चा रुतबा है, इन्हां जिहड़े संतों के पैरों च बहिंदे सी तुसीं उन्हां दे मगर तुरे फिरदे हो, मैनू नहीं लगता कि यह सियाणप आ। हाँ, सियासत करनी है, धर्म की सियासत कर लेनी चाहिए। ब्राड़ साहब, इदों अगे जा के किसानों वालों अल्टीमेटम हैगा भी जिहड़ियां सियासी पार्टियां आपके सियासी मेले ना लाउण जिन्ना चिर किसानी संघर्ष चल रहा है, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਕਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡ ਵੀ ਹਟਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੁਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਊਗੀ, ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਜੂਗਾ। ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ TV 'ਤੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਛਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ।